24 घंटे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लेंगे अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला। स्मृति ईरानी की निकल गई हवा। जी आपको बताया जा रही कि उत्तर प्रदेश की दो हाई प्रोफाइल सीटें रायबरेली और अमेठी पे सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, वह केवल चुनाव प्रचार ही कांग्रेस पार्टी के लिए करती हुई नजर आएगी, लेकिन राहुल गांधी के अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कल तक फैसला आ सकता है। इससे पहले खबर थी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली सीटों से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कहा जा रहा था कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान से पहले प्रियंका राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिस तरीके से स्मृति ईरानी के नामांकन के रोड शो में भीड़ उमड़ आया, इससे तो यह साफ हो रहा था कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच इस बार महामुकाबला देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या राहुल गांधी वायनाड के अलावा अमेठी या रायबरेली कौन से सीट से चुनाव लड़ते हैं। इसके लिए आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ भारत न्यूज इंडिया पर। न्यूज रूम से हर्षराज की रिपोर्ट। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। बीजेपी के आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो भी हमें आजादी के बाद मिला, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, पानी, जो भी हिंदुस्तान की गरीब जनता को मिला है, उसका कारण, उसकी नींव संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज पहली बार बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, यही गरीबों की रक्षा करता है, यही कमजोरों की रक्षा करता है, यही किसानों की रक्षा करता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 22-25 लोग